डायमंड्स पे, वो क्या त्योहार के बाद उनसे 40% 50% ज्यादा लेते हैं क्या? तो 10,000 की चीज पे 1,00,000 रुपए एमआरपी लगा के आप लोगों को देते हैं, तो कस्टमर को इन चीज के बारे में पूरी तैयार है, ध्यान से देखना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए हमारी जान है, क्योंकि जब तक वो हमारे पास आएंगे, हमारा परिवार, सोनकर संघ का परिवार, ज्वेलर एसोसिएशन का परिवार, सब परिवार उसी से चलते हैं, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि कस्टमर के साथ धोखा हो। इसके लिए हम जागरूकता कैंप लगाएंगे छन्नी में, छन्नी गांधीनगर तालाब तिल्लो रामबन रजौरी पुंछ हर एक जगह पे हम टाइम डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो जागरूकता कैंप लगाएंगे जिसमें हमारी टेस्टिंग मशीन सोल्ड आउट कैसे बाइंग करेंगे और कैसे सेल करेंगे, ये सारा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। जैसे कि हमारी कोई ज्वेलरी बनती है तो उसका 3 से 4% वेस्ट जो है सिर्फ पॉलिश और रबिंग में हो जाता है। जैसे आप देखते हो हमारी दुकान के बाद सफाई कर्मचारी हमारा जो गंद है उसको भी उठाकर साफ करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा वेस्टिंग था, इसीलिए करते हैं। तो 6 से 7% हमारा खर्चा आता है, जब कोई लोग नो लेबर नो पॉलिश पे आपको ऑफर कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है उसमें झोल, ये आलू प्याज तो है नहीं सोना जो 3 दिन बाद गाड़ी खराब हो जाएगी तो लेने वाला कोई हमें मिलेगा नहीं, एवरी डे इन्हांसमेंट होने वाला प्रोडक्ट है, गोल्ड इज अ वेरी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट सबको पता है। तो इसमें अगर आपको कोई सस्ता दे रहा है, गवर्नमेंट से सस्ता कैसे दे सकता है, जब गवर्नमेंट हमें 8,000 देगी तो हम आपको 7,000 कैसे देंगे, तो ये झोल है। इन चीजों से बचने के लिए सभी कस्टमरों से मेरी अपील है, जब भी वो कुछ बाइंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि कुछ 2-4 लोग जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जिससे कि हमारा पूरा समाज खराब होगा और पूरे समाज की बदनामी होगी, इसलिए हमने ये फैसला उठने के लिए। अभी आप अपने सवाल पूछ रहे हैं जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि 60-62 हज़ार में दे रहे हैं, उसकी प्योरिटी कितनी है, या आपकी भाषा में पूछे तो टेंशन कितना होता है उसका? वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हमें 8,000 में प्रोडक्ट मिलेगा, हम आपको 7,000 में तो दे ही नहीं सकते, तो अंडरस्टूड है उसमें कुछ ना कुछ जोर होगा, कस्टमर को अवेयर होना पड़ेगा। सस्ता बोल के आपको महंगा दिया जा रहा है, नो लेबर नो पॉलिश बोल के आपको महंगा दिया जा रहा है। अगर वो 69,000 के हिसाब से आपको गोल्ड देते हैं, नो लेबर नो पॉलिश, आप उससे खरीद के हमको दे दो, हमारे लिए 24 घंटे आप दरवाजे खुले हैं, 74 में हमको दे दो ना 500 रुपया, 100 ग्राम लोगों का 50,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। हर बंदे को ये मेरी एडवाइस है, उनके पास जाओ 69,000 में खरीदो और हमें 74 में भेज दो। और जो डायमंड है उसकी बात में अगर बेचने जाओ देखा जाए तो उसमें कोई पैसे ज्यादा मिलते नहीं है, तो उसमें क्या जोर है? आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपए का आता है तो उसको हम 100 रुपया बोल के आपको 40 रुपए डिस्काउंट देंगे, तो बेवकूफ कस्टमर बन रहा है ना। कस्टमर को हमें जागरूक करना है, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए भगवान है, कस्टमर कहीं लूट ना जाए, इसलिए एक सबसे अपील है त्योहारों के सीजन में क्या वो डायमंड को जर्कन के यही अवेयरनेस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायमंड की जगह वो आजकल CVD भी बेच सकते हैं, CVD जो कि लैब क्रेडिट डायमंड है, तो कितना वो आपको भेज दे, तो आप अवेयर हो अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी जांच करें, क्योंकि कस्टमर के साथ धोखा कभी नहीं होना चाहिए, कस्टमर हमारे लिए भगवान है। किस तरह से जांच कर सकते हैं आप? सीधा कह रहे हो कि सोना जो है अगर आप किसी से सस्ता ले रहे हो तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, किस तरह से जांच करें कि सोना प्योर है या नहीं है, जो बोल रहे हैं वही मिल रहा है या नहीं? सर मैं यही कह रहा हूँ, इसके लिए ही हम अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें हम गांधीनगर बूटा नगर तालाब के लोग ऐसे ऐसे एक एक लोकेशन आपके द्वारा दी जाए। आप कभी भी सोना खरीदे एक तो SU ID वाला होना चाहिए, और ये जो नो लेबर नो पॉलिश का कर आपको क्लेम कर रहे हैं, जब आप बिल बनाते हैं उस पर देखिए आपको चार्जेस कैसे लगे, मोटा मोटा 74,500 का रहते हैं, उसके ऊपर 8 से 10% जो खर्चा हमारा लगता है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे कुछ बनाने जाओगे उसका वेस्टिंग भी होता है, उसके बनाने वाले आप हमारा एक अंगूठी बनाने में 10 कारीगर लगते हैं, पॉलिश वाला अलग है, गोली वाला अलग है, तार वाला अलग है, तो 10 कारीगर में से आप 1-1% लगाओ तो 8-10% वेस्टेज होता है, आपसे कैसे नहीं ले लोगे, तो उसमें जो होगा ही होगा 100%। नॉर्मल अगर लोगों को सरल भाषा में समझाएं कि एक तोले की अगर हम अंगूठी लेते हैं तो उसमें कितना एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पड़ते हैं तोले के हिसाब? देखिए मैं आजकल तो कंपटीशन का जमाना है, सब कुछ कर कराते हैं, हम दुकानदार 1% मार्जिन पे काम करते हैं, 6 से 7% मिनिमम 6 से 7% जो है वो कारीगर का खर्चा है, उसके बाद में इनकम टैक्स है, उसके बाद में GST है, वो सब कैलकुलेशन लगा के 10% जो चार्जेस है उससे कम में कोई बेच ही नहीं सकता,
कि इनफैक्ट होलसेल भी नहीं बेच सकता। तो अगर वो आपको नो लेबर नो पॉलिश बोल रहे हैं तो 100% उसमें जोर है। और दूसरी तीसरी बात ये है कि जो गोल्ड रेट, ओल्ड रेट का भी मैंने कुछ अभी देखा था फेसबुक पे, कैसे गोल्ड रेट एट ओल्ड रेट बेच सकते हैं, सोने की खान पड़ी हुई है जो खत्म ही नहीं होगी, पुराने रेट पे दे देंगे। अभी हम लोग अगर आटे वाली दुकान होगी वो एक बोरी आटा जो बेचता है तो 100% उसको वापस लेना पड़ेगा, कस्टमर को देगा कहाँ से? अभी वो 8 में लेके आपको 7 में कैसे दे सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। इसमें तो आप लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, जो दुकानदार इस तरह का काम कर रहे हैं, जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो आप उन्हें चिन्हित क्यों नहीं कर रहे? सर इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने अपने तौर पे उनको लेटर भेज दिया है कस्टमर को बेवकूफ ना बनाए। अभी इसीलिए मीडिया के माध्यम से हम कस्टमर को भी बोल रहे हैं, आप सस्ता सोच के महंगा खरीद रहे हैं, तो हर चीज को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए, पैसा आपका बहुत कीमती है, आपकी मेहनत का पैसा आपका खराब ना हो, इसीलिए हम लोग सभी आज यहाँ पे बैठे हैं। इनके बाद ये जानीपुर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड, ये रश्मि बब्बर जी वहाँ पे बैठे हैं, इनके पास आप जाके अपना प्रोडक्ट चेक करा सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं, उसका वैल्यू बना सकते हैं। ऐसे ही आप तालाब जिलों में इनके पास जितेंद्र जी के पास जा सकते हैं, और इनके चेयरमैन है वहाँ पे, जनशक्ति है इनके भी, जनशक्ति 3-4 बंदे हैं, आप कहीं पे भी जाकर अपना प्रोडक्ट चेक करा सकते हैं, उसकी वैल्यू डलवा सकते हैं। इसके लिए हम अवेयर कर रहे हैं कि आप हमारे पास कभी भी आइए, हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे, कस्टमर अवेयरनेस का हम बहुत जल्द कर रहे हैं। क्या हो सकता है सोने में कोट सर? यही तो मैं कह रहा हूँ कि 8 रुपए की चीज अगर 7 रुपए में कोई देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना उसमें, इसीलिए आप सब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू।